feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Can make me blue. Hey guys, welcome to my YouTube channel. अभी मैं फिलहाल आ चुकी हूँ हम्पी में और तुम लोग गैस करके बताओ प्लीज मुझे कि ये रूम मेरे को कितने को मिला होगा। फिलहाल अभी कोविड के टाइम पे मैं आई हूँ यहाँ पर हम्पी घूमने के लिए। ये रूम मेरे को केवल 1000 रुपए का केवल मिला है। तो चलो मैं तुम लोगों को पूरा रूम दिखा देती हूँ। मेरे चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे उसको जल्दी से दबा दो, प्रेस कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है रेड कलर को बटन को दबाना। तो मेरे को मिरर मिला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस रूम में मेरे को जो है एक टीवी मिल रही है। ये टीवी है किसी दूसरी कंपनी की टीवी है, यहाँ पर ये टीवी मेरे को मिली है। और प्लस यहाँ पर सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। प्लस इसमें एक अलमारी भी मिल रही है जिसमें मैं सामान वगैरह अपना लगेज वगैरह जो रखा हुआ है वो भी मैं रख सकती हूँ। एसी मिल रहा है मेरे को 1000 रुपये में, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है रूम पर और वो भी रूम इतना अच्छी क्वालिटी का है। प्लस इसमें लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है रूम पे, ये जो लाइटिंग आजकल चल रही है वो भी मिला है। और प्लस दूसरी बात ये है कि मेरे को ये जो बेड मिला हुआ है, इस बेड में जो है मॉर्निंग के टाइम से मेरे रूम में इस बेड के साथ जब मैं मॉर्निंग में उठूंगी ना तो मेरे फेस पे डायरेक्ट यहाँ पे जो सनलाइट है, जैसे कि मैं मेरे बेड पर देख रही हूँ कि सनलाइट आ रहा है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर। और जिस भी मतलब कमरे में अगर सनलाइट आता है फेस पे मॉर्निंग के टाइम उठते हुए मिलता है वो रूम बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को इस टाइप का रूम मिला। मैं मॉर्निंग में उठूंगी ना मेरे फेस पे मतलब जो धूप है ना वो टच करेगी। मैं तुम लोगों को एक डेमो भी देख करके मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार कि मॉर्निंग में जब मैं उठूंगी ना तो मेरे फेस पे मतलब डायरेक्ट मतलब सनलाइट जाएगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मॉर्निंग के टाइम में मतलब बहुत ज्यादा गुड और पॉजिटिव मतलब फीलिंग आएगी मेरे को। तो ये रूम की बहुत ज्यादा अच्छी खासियत है। तो आई होप मैं ऐसा करती हूँ कि तुम लोग भी हम्पी आओ तो इस टाइप का रूम लो। और ये रूम जो है हम्पी के जो ओल्ड हम्पी है उससे थोड़ा सा दूर है, न्यू हम्पी के डायरेक्शन पे ये रूम पड़ता है, ये होटल मतलब है ऐसा। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी और हम्पी की जो जर्नी है वो उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलो तुम लोगों को बाथरूम दिखा देती हूँ, लास्ट दिखा देती हूँ तुम लोगों को बाथरूम दिखा देती हूँ कि बाथरूम कैसा है। फिलहाल यहाँ हम्पी में पानी अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे बाथरूम वगैरह थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वैसा मिलेगा। और दिखा दो बाथरूम, तुम लोग देख लो बाथरूम ये है। बाथरूम थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी अच्छा नहीं है बाथरूम में। यहाँ पे हम्पी में पानी बहुत ज्यादा भारी है और जल्दी से स्किन बहुत जल्दी फटने लगती है। और ये है प्लस इसमें जो भी मतलब ये जो लगे हैं सारे जैगवार कंपनी के लगे हुए हैं, जितना भी सेटअप है बहुत ही कॉस्टली कंपनी का लगा हुआ है तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो फिलहाल चलो हम लोग चलते हैं, अब हम्पी की जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ हम्पी के जो फेमस जो पॉइंट है, जैसे कि तुम लोग जो जानते होगे, अभी मैं आ चुकी हूँ हम्पी के ये जो टेम्पल, तुम लोगों को बैक साइड का ये जो पोर्शन सारा दिखाई दे रहा है ये विट्ठल टेम्पल है। और इसके विट्ठल टेम्पल के गोपुर बना हुआ है, गोपुर के जस्ट सामने ये कार स्टोन इसको बोलते हैं, ये रथ टाइप का है। इसको घसीटने के लिए 7 हाथी की ज़रूरत पड़ती थी जिससे जो है इसको घसीटा जाता था। अभी ये फिलहाल स्टेबल हो चुका है और ये जितना भी सिस्टम यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये सब पूरा पुरातत्व विभाग के अंडर पे है, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। प्लस इसके अंदर जो है विष्णु भगवान की मूर्ति तुम लोगों को मैं दिखा दूँ, कार स्टोन के अंदर जो है विष्णु भगवान का स्टैचू है, फिलहाल उसके अंदर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो दूरी से तुम लोग देख सकते हो फिलहाल। दूसरी बात यह है कि एक दूसरा इधर एक महल टाइप का, ये भी एक मंदिर है, पूरा विट्ठल मंदिर है। फिलहाल मंदिर के अंदर कोई भी स्टैचू या मूर्ति कुछ भी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होता और सब कुछ अभी खंडहर हो चुका है। तो पूरा ये राजमहल टाइप का है, मंदिर टाइप का है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाहर चलते, बाहर देखते और क्या क्या पॉइंट देखने। देख
जैसे कि ये पीछे का ये जो पॉइंट जो देख रहे हो, ये विट्ठल का जो है, विट्ठल मंदिर का पूरा गोपुर है, पूरा साइड में दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। फिलहाल पूरा मतलब टूट चुका है। यहाँ पे सोने का पूरा मतलब स्वर्ण का था, मतलब ये जो विजयनगर था पूरा सोने का था। और यहाँ पर ये जो स्टैचू तुम लोग देख रहे हो, जैसे साउथ के हर एक मंदिर में एक जैसा कि होता है ना कि स्वर्ण पत्थर वगैरह चढ़ा होता है, तो ये सब कुछ मतलब चला गया है। तो अभी तुम लोग अगर लाइफ में जो है हम्पी नहीं गए हो तो एक बार लाइफ में हम्पी जरूर जाना। जैसे कि नॉर्थ में दिल्ली हरियाणा इधर नॉर्थ के साइड के लोग हम्पी उधर साउथ के डायरेक्शन में जाने पे एक बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि खाने पीने का दिक्कत होता है, लेकिन हम्पी ज़रूर जाना। जैसे कि ये लोग बंदर वगैरह देख रहे हो, बहुत अच्छा मूवमेंट था मेरा हम्पी का, बहुत अच्छा जर्नी था। और हम्पी में एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लोर करी और घूमी भी। हम्पी में इतना पुराना इतिहास है कि यहाँ का राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना पैसे वाला था, लेकिन यहाँ की जो आज जो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, जैसे ये तालाब वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर ये राजा आता था, स्नान वगैरह करता था, देवी जी को स्नान वगैरह कराता था, इतना पैसा था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े तुम लोग पहाड़ वगैरह देख रहे हो, तुम लोगों को एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा यहाँ पर इस नगरी को किष्किंधा नगरी भी बोलते थे, यहीं पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, ठीक है। लेकिन एक कहानी है जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, सुनो। क्यों तुम लोगों को पूरा हम्पी विजिट करवाऊंगी, दिखवाऊंगी, ठीक है। तो हम्पी में अभी मैं फ़िलहाल अभी आई हूँ, मॉर्निंग में आई हूँ, तो आने में थोड़ा सा जो है लेट हो गई थी क्योंकि मेरी जो है ट्रेन वगैरह भी लेट हो चुकी थी। और फिलहाल हम्पी के अंदर हम इंटर कर चुके हैं और फर्स्ट पॉइंट जो हम्पी का है वो मेरे को यहाँ पर इतना बड़ा का जो टेम्पल है हम्पी का, विरूपाक्ष टेम्पल, तो ये टेम्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो हम्पी में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पुराना इतिहास है, जैसा कि सभी लोग तुम लोग जानते होगे, नहीं जानते हो तो गूगल में भी तुम लोग सर्च कर लेना। यहाँ पर हम्पी में काफ़ी सारे मतलब पूरे वर्ल्ड का मतलब सोना चांदी से लेकर के पूरे वर्ल्ड में मतलब यहाँ का जो राजा था, अगर अभी भी अगर यहाँ हम्पी अगर जो है अगर लूटपाट ना हुई होती यहाँ पर सोना चांदी इतना ज़्यादा अपने भारत में जो था साउथ में ऐसा, तो अगर लूटपाट ना हुई होती तो आज भी मतलब यहाँ पर जितनी भी तुम लोग ये देख रहे हो गोपुर देख रहे हो, ये पूरी एक सोने की नगरी थी, सोने की पूरी नगरी थी। यहाँ पर सोना चांदी की बाजार लगती थी, वही थी। जैसे कि यहाँ पर ये स्टोन है, स्टोन में जितने भी यहाँ पे पत्थर है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, भयंकर आग लगाई गई थी क्योंकि सोना वगैरह इन लोगों को लूट करके ले जाना था जिसकी वजह से। और यहाँ पर हम्पी बहुत बड़ा है, मतलब हम्पी के लिए 2 डेज वैसे होना चाहिए मिनिमम घूमने के। फिलहाल हम्पी में फिलहाल जितना भी है सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टूट फूट हुआ है, सब जगह जितना भी निर्माण कार्य था, जितना भी महल वगैरह बना हुआ था, यहाँ पे हीरे जवाहरात और सोने वगैरह था, गोल्ड वगैरह था, सब कुछ मुगल लोग लेकर के जा चुके हैं। जितना भी पूरा हम्पी की चट्टान वगैरह तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है सब पूरा मतलब टूटा फूटा है और बंजर स्थिति में हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लोटस टेम्पल है और कुंड वगैरह है हम्पी में, बहुत अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी मैं जा कर के देखती हूँ वहाँ पर क्या क्या है। तुम लोगों को पता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और यहाँ पे जो पुष्करणी सरोवर बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और यहाँ पर किनारे किनारे चल करके मेरे को काफ़ी ज़्यादा रॉयल फीलिंग्स आ रही हैं। पहले के ज़माने में जैसे राजा लोग यहाँ पर रानियों के लिए स्नान के लिए यहाँ पर कुंड वगैरह का निर्माण करते थे, वो यही कुंड है, यहाँ पर रानियाँ वगैरह आती थी। और मेरे को खुद ही जो है एक रॉयल फीलिंग्स आ रही है, मेरे को लग रहा है कि मैं ही यहाँ की रानी महारानी हूँ और इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ कृष्णा टेम्पल में और पुष्करणी जो नदी थी, पुष्करणी जो कुंड था वो तुम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर पुष्करणी जो नदी है ये कुंड है पूरा, इसमें काई वगैरह है और बिल्कुल सब कुछ खंडहर हो चुका है। और जहाँ पर हीरे जवाहरात और सोने चांदी जो बिकती थी, जो बाजार थी, ये जितना भी तुम लोग देख रहे हो ब्लॉक वाइज जितना भी दिख रहे पिलर दिख रहे, इन सब में ये जितना भी तुम लोगों को दिखाई दे रहा है इन सब में सोना चांदी हीरा जवाहरात ओपनली मतलब खुली बाजार लगती थी और उसमें बिकता था सामान, बिकता था लोग बाजार, देश विदेश से लोग व्यापारी आते थे यहाँ पर हम्पी में व्यापार करने के लिए, विजयनगर इसको बोलते थे पुराना। यहाँ पे जो सरकार इतना अमाउंट देती है, फंड देती है यहाँ पर मेकओवर करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल, अभी सब कुछ खंडहर हो चुका। दूसरी बात ये है कि ये तुम लोगों को ये जो पॉइंट मैंने बताया ये पॉइंट बहुत गजब का है कि आज सब कुछ खंडहर हो चुका है, पहले के ज़माने पर यहीं पर सोना चांदी सब कुछ खरीदते थे लोग ऐसा। I don't believe in love, hey, hey. If I want something, my God, hey, hey. Oh, baby, I don't need you, love me, hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chance. लाल अभी मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ, विरूपाक्ष मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर ये हाथी है, हाथी को हम लोग अगर 10 रुपए देते हैं तो ये हाथी जो है ऐसा आशीर्वाद देता है और उसके बाद में
अपने मालिक को जो है पैसा जो है 10 रुपए का जो नोट होता है वो उसको पकड़ा देता है। अभी फिलहाल ये जो हाथी है काफी मस्ती में है और काफी अपना खाना पीना खा रहा है। अभी तुम लोग देखोगे कि मैं 10 का नोट दूंगी और ये हाथी पकड़ लेगा और उसके बाद में देखो क्या होगा। जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि 10 का नोट लेकर के उसने अपने मालिक को दे दिया और उसके बाद में अपना सर उठा करके अपने सूर से उसने मेरे हेड के ऊपर रखा और फिर उसके बाद में वो नीचे हो गया। अभी जैसा कि तुम लोग ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये विरूपाक्ष टेम्पल है और ये जितनी भी नगरी थी हम्पी की ये जितना इतना बड़ा का जो टेम्पल तुम लोग देख रहे हो ये पूरा सोने चांदी जेवर जेवरात हीरे से पूरा जड़ा रहता था। यहाँ पर हीरे की मार्केट लगती थी लेकिन पूरा हम्पी घूम करके मेरे को आज ये एक रियलाइज़ हुआ है, एक बात मुझे जो है समझ में आई है कि कभी भी मतलब यहाँ का जो विजयनगर का जो राजा था ये बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध था, सोना हीरा चांदी मोती उसने पूरे अपने महल में जगह जगह मतलब पूरा लगवा रखा था, जिसकी वजह से आज पूरा हम्पी पूरा एक वीरान हो चुका है, खंडहर हो चुका है, जहाँ एक सोने की चिड़िया कभी बोला जाता था और पूरी सोने की चिड़िया थी पूरा विजयनगर, पूरे भारत का दक्षिण भारत पूरा सोने की चिड़िया थी, ठीक है। और पूरा सोने को ये लोग यहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो खुदेड़ खुदेड़ के टिगला के आग लगा करके 6 महीने तक का इन लोगों ने पूरे हम्पी को लूटा है, यहाँ से सोना चांदी मुग़लों ने लूटा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को आज यही समझ में आता है कि जितने भी ये सब चीज़ें खंडहर हो चुकी हैं कभी भी पैसा रुपया शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, हमेशा छुपा के रखो तो ज़्यादा सेफ्टी में रहोगे और लंबे समय तक का चलते भी रहोगे। जैसे कि ये झरोका तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये रानियों का महल था जहाँ पर रानियों का स्नान करने का था, ये भी सब सोने चांदी से पूरा जड़ा रहता था और पूरा सब मुग़ल लोग सोना चांदी सब निकाल के ले जा चुके हैं। आज पूरा हम्पी जो है पूरा खंडहर हो चुका है और यहाँ पर जाने पर एक निगेटिविटी भी आती है, निगेटिव एनर्जी भी है। यहाँ के मंदिर भी पूरे खाली हैं, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं, ना पूजा पाठ होता है, इतने बड़े बड़े मंदिरों में पूरा खंडहर है। अभी मैं आ चुकी हूँ रानियों के महल पर जो कि हम्पी का बना हुआ है और मेरे बैक साइड का तुम लोग जो झरोका देख रहे हो यहाँ पर रानियों का महल वगैरह हुआ करता था और यहाँ पे स्नान के लिए पूरा कुंड वगैरह यहाँ पर बना हुआ है सरोवर। अभी तो फिलहाल मेरे को मिल चुका है एक मैप मिल चुका है हम्पी का, तो अभी मैं इस मैप में यहाँ पर हूँ, इस डायरेक्शन पर हूँ, तो अभी मेरे को पूरा हम्पी एक्सप्लोर करना है। तुम लोग मेरे वीडियो पर बने रहना और अच्छे से तुम लोग देखते रहना। देख रहे हो ये रानियों का स्नान घर है, यहाँ पर रानियाँ नहाती वगैरह थी, ठीक है। तो अभी कुंड में पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी विजिट करते हैं। फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे राजा के दरबार में और यहाँ पे जो भी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री जो भी है हम्पी की, तो अभी मैंने एक गाइड किया हुआ है, तो ये जो गाइड है मेरे बगल में, ये पूरा डिटेल्स तुम लोगों को बताएगा वीडियो में, तुम लोग लास्ट तक बने रहो उसमें। अच्छा मैडम, अभी बोला सर दिख रहा है ना मैडम, इसको बोलते हैं रॉयल एनक्लोजर। एक किंग है ना कृष्णदेवराय, उसका पैलेस एरिया अंदर एक 43 बिल्डिंग है, 1500 स्क्वायर मीटर दे रहे हैं वाला। पहले भी लोग फोटोग्राफी नहीं रहता था ना, इधर भी कार्विंग देख सकते हैं। हाँ। लोग एलिफेंट कैम्बेल सॉड्स लेडी बी फर्जे की डियर को हंटिंग करता था, सारे कार्विंग देख सकते हैं। अभी अच्छा। लोग ब्लैक स्टोन दिख रहा है ना। हाँ। लोग ब्लैक स्टोन भी कर्नाटक में नहीं मिलता, आंध्र प्रदेश है ना वरंगल, वरंगल स्टोन बोलते हैं, कड़ापा स्टोन है वाला। प्लस सिंगल स्टोन लोग एक ही स्टोन में बना दिया, मतलब इसमें वाटर डाल के पूरा कलर कलर का मिक्स करके अंदर रॉयल फैमिली रॉयल चिल्ड्रंस ओली सेलिब्रेशन, ओली खेलने के लिए टैंक बना दिया, देख सकते सर ओली सेलिब्रेशन। पहले भी ये वाला मतलब पत्थर दिख रहा है ना, लोग पाइपलाइन है ना मैडम, सारे पाइपलाइन। हाँ। लोग पानी भी नहीं लेकर ना, इंटरलॉक सिस्टम देख सकते हो, लोग एलसेप में बना दिया, एलसेप में बना था ना। हाँ। लोग लाक हो जाएगा, नहीं मैडम लाक हो जाएगा, पानी भी नहीं लीक होता, इंटरलॉक सिस्टम देख सकते हो, पाइपलाइन इंटरलॉक पाइपलाइन है, सारे पाइपलाइन। अभी वो लोग पुष्करणी दिख रहा है ना, सारे लोग इसको बोलते हैं ब्लैक स्टोन पुष्करणी, ब्लैक स्टोन। अभी लोग मट्टी दिख रहा है ना, सारे मट्टी से पूरा भी क्लोज किया था लोग आर्कियोलॉजिकल ब्लैक स्टोन। जो लोग मट्टी दिख रहा है, लोग मट्टी से पूरा भी क्लोज किया था लोग आर्कियोलॉजिकल पाइपलाइन देख के, पूरा मट्टी डिकिंग चलता है। 1984 में पुष्करणी मिल जाएगा ये वाला। अभी लोग कड़पा स्टोन में नाम दिख रहा है ना, सारे मट्टी से पूरा भी क्लोज किया था, पत्थर पूरा ब्रेक हो जाती है मैडम, लोग क्लीन करने के लिए एक साल या 1983 में पुष्करणी मिलता है ये वाला। मैं जैसे 28 फीट। अपने लोग बेसमेंट दिख रहा है ना, चंदन का टॉप बना था, उसके अंदर लक्ष्मी का मूर्ति रहता था,
अच्छा। लोग पानी गिर जाने के बाद कृष्ण देव आया हाँ। पानी लेके लक्ष्मी टेम्पल को पूजन के लिए यूज होता था वाला। अच्छा। तो लोग स्टेप दिख रहा है ना हाँ। 9 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेकेंड 7 5 3 1 ऑड नंबर्स। लोग 90 दशर टाइम में इधर भी कैंडल सिस्टम लोग नाइट में बहुत सुंदर दिख जाएगा। लोग रॉयल फ्रेम लेके पानी लेके लक्ष्मी टेम्पल को पूजन के लिए यूज होता था वाला। अच्छा। नाश किया तो मूर्ति रखने स्थापित करने से पहले क्या डायमंड रखते थे? पहले भी नीचे डायमंड रखते ऊपर मंदिर। लोग डायमंड अच्छा। को निकलते हैं मंदिर को तोड़ता है ना सब मंदिर में पूजा नहीं होता है। अच्छा। यहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति पहले स्थापित थी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के जस्ट सामने पुष्करणी जो है कुंड था जिससे जो है राजा यहाँ पे जो राजा था राजा विजयनगर के जो राजा थे वो यहाँ पर कृष्णदेव आकर के स्नान वगैरह अभिषेक वगैरह सब कुछ करते थे देवी जी की। लेकिन यहाँ पर मुगलों ने काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह किया जिसकी वजह से जो है मूर्ति के नीचे भी स्थापित करने से पहले एक हीरा रखते थे तो हीरा को निकालने के लिए इन लोगों ने मूर्ति वगैरह को पूरा खंडित कर दिया पूरा मंदिर तोड़ दिया हीरे को निकालने के लिए यहाँ पर। तो इसीलिए अब मंदिर वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लंच प्लेट है थाली भी देख सकते हैं लोग उजना समझ में लोग पत्थर में खाना खाने के लिए ईटिंग प्लेट्स बना दिया। देयर इज अ 1 किलोमीटर भोजनशाला इज अ 300 सिटिंग प्लेट्स इस तरफ से 150 इधर से 150 बीच में पानी। लोग कमल लंच करते हैं हम ऐसे क्लीन करके वॉश करके लोग नेक्स्ट प्लेट बैठ के खाना करो उसको बोलते हैं कटपा स्टोन। लोग कटपा लोग प्लेट का बैक साइड भी देख सकते हैं उल्टा किए तो ऐसा हो जाएगा प्लेट का बैक साइड ये वाला ऐसे किया सर। अभी फिलहाल तुम लोग जैसा कि ये देख रहे हो कि ये जो है राजा महाराजाओं की जो है थाली हुआ करती थी इस पे खाना खाने के बाद ऐसे वॉश कर देते थे पानी डाल करके यहाँ पे कटोरी वगैरह सब पूरा खाना वगैरह का सारा सिस्टम था उनका थाली था और प्लस इसमें जो है ये जो पत्थर है इस पे जो है आवाज़ भी आती घंटी की इस पे घंटी की आवाज़ आती अगर इसी पत्थर को उल्टा कर देते हैं ये पत्थर उल्टा है इस पे कोई भी आवाज़ नहीं आती इस पे कोई नई चीज़ दिखा रही हूँ देखो पत्थर पे आवाज़ आती है घंटी की आवाज़। तो यहाँ पर जो है राजा की दो रानियाँ थी दोनों जो है यहाँ पर डांसिंग वगैरह शाम के टाइम इवनिंग के टाइम होती थी। रानी की जो फर्स्ट वाइफ थी वो गाना अच्छा गाती थी तो उसको जो है शाम के टाइम जो प्रोग्राम वगैरह होता था तो यहाँ का जो राजा था वो उसको गिफ्ट वगैरह भी देता था शाम के टाइम। इसको जो दिख रहा है ना मैडम इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड सीक्रेट चेम्बर। पहले अंडरग्राउंड सीक्रेट चेम्बर दिख रहा है ना इज अ ब्लैक स्टोन पहले भी टॉप स्मॉल ऑटो टैंक। लोग कॉमन गेस्ट आता है लोग पानी पी के चला जाता था ना मैडम इसे भी पता नहीं होता था। अब बिग स्टेज दिख रहा है ना ऑडियंस हॉल दरबार हॉल हाँ। पे किंग बैठ के पूरा दरबार करते कृष्ण देवराय हाँ। लोग दरबार करने के बाद जो मिनिस्टर कृष्ण देवराय कमांडर तनाली रामकृष्ण हाँ। लोग सीक्रेट से बात करने के लिए इधर आ जाता था पहले भी ऊपर अच्छा। भी वाटर टैंक रहता ना कूल से इसी आता था अच्छा। अभी उसको पीछे को भी फॉलो किया तो जाने के लिए एग्जिट इधर से अच्छा। लोग सब गिर जाने के बाद आर्कियोलॉजिकल वॉल बना दिया हाँ। 1986 में वॉल बना था आर्कियोलॉजिकल वाला जा सकते लोग भी चला जा रहा ना वहाँ पे एंट्रेंस है हम भी देख। तो गाइस तुम लोग ये जो देख रहे हो ये राधा का सीक्रेट चैम्बर है यहीं पर जो है तेनालीराम यहीं पर आकर के गुपचुप बातें और जो सीक्रेट बातें होती थी वो यहीं गुफा के अंदर इसी गुफा के अंदर ही आकर के लोग डिस्कस वगैरह करते थे ऐसा है। तो ये बहुत हॉरर टाइप की है अंदर बिल्कुल अंधेरा है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल हॉरर है तुम लोग देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा है अंदर। टेम्पल पे और इस टेम्पल के अंदर जाऊंगी फिर इसके अंदर लोटस टेम्पल यहाँ पर है वहाँ पर भी जाऊंगी तो चलो तुम लोग मेरे पीछे पीछे। मेरे को अब समझ में आया भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था। अभी तक का मैंने जितना भी ट्रैवल किया है अभी तक का मैंने राजस्थान सब जगह ट्रैवल किया है लेकिन ये मैंने नहीं सुना है कि खुले में जो है हीरे की बाजार लगती थी हीरे की बाजार हम्पी में लगती थी इतना समृद्ध था और पूरा हम्पी देख करके अब नज़र आता है कि जितने भी पिलर वगैरह देख रहे हो इन सब में हीरे जवाहरात सोने से पूरे खम्भे जड़ित रहते थे और इतना ज़्यादा सोना था डायमंड था कि यूरोप लंदन इटली से भी लोग आते थे व्यापार करने के लिए विजयनगर में। तुम लोगों को ना पता हो तो एक बार जो है तुम लोग इसका इतिहास पढ़ लेना गूगल में सर्च कर लेना। ये ग्रेनाइट का पत्थर है और ग्रेनाइट का पत्थर भी ये लोग बाहर से मंगवाते थे क्योंकि जहाँ पर हम्पी है वहाँ पर ये ग्रेनाइट का पत्थर नहीं पाया जाता था। फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर के अंदर मंदिर तो फिलहाल यहाँ पर बंद है जैसे कि सभी मंदिरों पर यही हाल है कि कोई भी मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है बट लेकिन यहाँ पर ब्लैक स्टोन में काफ़ी सारा वर्क किया गया है यहाँ पर ये तुम लोग खोल देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर देवी जी का और यहाँ
यहाँ पे काफी सारा ब्लैक स्टोन के पत्थर से ही पूरा मतलब नक्काशी वगैरह और सब कुछ मिला गया, लेकिन मंदिर में बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ होने की वजह से आज मंदिर बिल्कुल खाली है, वीरान है, यहाँ पे पूजा वगैरह कुछ भी नहीं है। पॉइंट तुम लोग देख रहे हो पान सुपाड़ी बाजार, यहाँ पर हराई राम जो टेम्पल, इसके जस्ट सामने पान सुपाड़ी की बाजार वगैरह लगती थी, तो अभी अंदर चलते हैं पान सुपाड़ी की बाजार वगैरह देखते हैं कहाँ पर लगती है। एंड पॉइंट तुम लोग जो देख रहे हो ये दीप स्तंभ है, यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर दीपक वगैरह जलता था और पान सुपाड़ी की बाजार लगती थी। जितना भी पॉइंट तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर ही पान सुपाड़ी की बाजार लगती थी, इतना पान सुपाड़ी यहाँ के लोग खाते थे तुम लोग सोच नहीं सकते। हम्पी में अभी ये जो पॉइंट तुम लोग जो देख रहे हो ये कमल महल है, यहाँ पर रानियाँ जो है रहती थी और कुंड वगैरह स्नान घर वगैरह भी तुम लोग देख चुके हो मेरी वीडियो में जैसा कि। और ये कमल महल है, ये इसका खासियत ये है कि इस पे जो ऐसे ऐसे रॉक जो बना हुआ है वो कमल की पंखुड़ियों के स्टाइल में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको जो है लोटस पैलेस भी बोलते हैं और कमल महल भी बोलते हैं। उसके ऊपर झरोके बने हुए हैं जिससे जो है रानियाँ जो है झांकती थी देखती थी और अपना पूरा कार्यभार पूरा अपना दरबार वगैरह सब कुछ देखती थी। जो पॉइंट तुम लोग जो देख रहे हो ये हाथियों का रहने का पूरा स्थान है, राजा ने इतना इतना बड़ा का मतलब हाथियों के रहने का स्थान बनाया हुआ था। यहाँ पर मतलब 11 हाथी रहते थे रानियों की सेवा के लिए, जैसे रानियों को एक एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो 11 हाथी यहीं पर रहते थे, उनका पूरा महल बना हुआ है हाथियों का, तो ये हाथीशाला है इसको ये बोलते हैं। Now I wanna burn all the bridges between us. अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ यहाँ पर जो पुराने टेंपल हैं उस तरफ चलती हूँ। ये तुम लोग देख सकते हो नरसिम्हा है और इतना बड़ा नरसिम्हा का स्टैचू है, ये भगवान शिवलिंग है, शिवलिंग पानी के अंदर है, ये भी खंडहर है, यहाँ पर पूजा नहीं होती है और जिस भी देवी देवता की पूजा नहीं होती है वहाँ पर शक्तियाँ थोड़ी सी कम रहती हैं। चलते हैं तुंगभद्रा की तरफ, ये तुंगभद्रा रिवर है और इतने सारे यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर हैं, यहाँ यहीं वो नगरी है किष्किंधा जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये तुंगभद्रा रिवर है। हम्पी के लास्ट पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट है ये पीछे मेरे बैक साइड में तुंगभद्रा करके रिवर है वो बहती है, यहीं पर 30 किलोमीटर के रेंज पर किष्किंधा नगरी है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी का जन्म यहीं पर हम्पी के साइड पे यहीं पर ही हुआ था तो उसको किष्किंधा नगरी भी बोलते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा दूर है। और मेरे बैक साइड में तुंगभद्रा जो रिवर बहती है वहाँ पे अभी कोविड की वजह से एक जो गोल वाली एक राउंड राउंड वाली एक बोट होती है और उस पर जो है 2 लोगों को अलाउड होता है और पूरा रिवर पर पूरा जो है करवाते हैं 10 मिनट या 20 मिनट का करवाते हैं, अभी फ़िलहाल वो क्लोज़ हो चुका है। इसके बैक साइड में जितना भी है ये जो रिवर है काफ़ी ज़्यादा गहरी है थोड़ा ऐसा कुछ है, तो फिलहाल वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, तो अभी तब तक का सी यू बाय बाय। फिलहाल मैंने हम्पी में ले लिया है मोपेट जो एक पटपटिया टाइप की होती है देहाती स्टाइल टाइप, जैसे वो दुदाह लोग ले करके चलते हैं, फिलहाल हम्पी में यही मिलता है, क्या करें यहाँ स्कूटी वगैरह कुछ भी मतलब मिलता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम्पी में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यहाँ पे जो राजा यहाँ पर थे जिन्होंने जो है पूरा यहाँ पर बनवाया था बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। हम्पी में कल साउथ के लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने या फिर फॉरनर्स आते हैं और अपने नॉर्थ इंडियन के लोग मेरे को यहाँ
बहुत कम दिखे यहाँ पे, लेकिन हम्पी एक हिस्टोरिकल प्लेसेस था, तो मैंने सोचा कि चलो, मैं हर बार देखती रहती थी कि हम्पी मतलब नहीं विजिट किया, बहुत लोगों ने बोला भी था मेरे से कि हम्पी का वीडियो डालो मतलब, तो इसलिए मैं हम्पी विजिट करने के लिए आई हूँ। और जनवरी का टाइम है, तो जनवरी के टाइम पर हम्पी विजिट करने पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हम्पी में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो बने हुए हैं वहाँ पे अंदर सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुका है, सारा का सारा सब कुछ मतलब खंडहर टाइप का है और अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, लेकिन हिस्टोरिकल टाइप है, लेकिन आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और हम्पी में आओ तो गाइड कर लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि गाइड करोगे तो वही 1200 रुपये में ऐसा कुछ 1000 रुपये गाइड वाला लेता है, और वो अपनी स्कूटी से चलता है गाइड, और अपनी स्कूटी से चल के तुमको पूरा मतलब गाइड टूर करेगा, बताएगा सब कुछ हम्पी के बारे में। सब कुछ यहाँ पे दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के तरीके किले बने हुए हैं तो पास पास में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात गाइस यहाँ पर ये है कि अगर तुम लोग ऑटो करते हो तो ऑटो करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, अगर बजट अगर लो है तो। मेरा तो बजट लो था इसीलिए मैंने ये मतलब टू व्हीलर इतने इसको मतलब ले लिया, मैंने परचेज़ कर लिया। दूसरी बात ये है कि टू व्हीलर अगर लोगे तो 500 का पड़ेगा, यहाँ पर स्कूटी वगैरह कुछ नहीं मिलती है, और या फिर बुलेट भी नहीं मिलती यहाँ पर, यहाँ पर केवल मोटरसाइकिल जो होती है ना स्प्लेंडर वाली वही मिलता है, तो मेरे लिए ये सूटेबल मेरे को लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया। और 500 रुपये में प्लस 500 रुपये में ये अच्छी क्वालिटी है कि 500 रुपये में स्कूटी मिलेगी, ये मिलेगा तुम लोगों को, टू व्हीलर मिलेगा, टू व्हीलर के साथ साथ 2 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगी, तो कुल मिला के 300 रुपये का मतलब 200 रुपये का पेट्रोल हो गया और 300 रुपये की स्कूटी पड़ी, मिनिमम मतलब 500 रुपये का खर्चा है ऐसा। और पूरा हम भी मतलब विजिट कर सकते हो, एक दिन में ही पूरा विजिट कर सकते हो। दूसरी बात ये, अगर ऑटो अगर लेते हो तो ऑटो में 2500 रुपये का खर्चा आएगा, रिवर के इस पार और उस पार दोनों डायरेक्शन पे राजा कृष्णदेव जो राय थे यहाँ पे, जो राजा थे उनका पूरा साम्राज्य है, और वो सब कुछ किले फोर्ट और मंदिर वगैरह उन्होंने ज़्यादा बनवाए हैं देखने के लिए। नंदी के इस पार और उस पार जाना पड़ता मिनिमम 2 डेज लगता है, लेकिन मेरी ट्रेन वगैरह बुकिंग है आगे की, तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगी, लेकिन एक दिन में अगर एक्सप्लोर करोगे तो पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा इधर, ऐसी बात है। और दूसरी बात ये, अगर ऑटो लोगे तो ऑटो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, 2500 रुपये लेता है, 1200 रुपये ऑटो वाला एक नदी के इस पार का लेता है, नदी के उस पार का जो है 1600 रुपये लेता है, तो क्या फ़ायदा 2000-3000 रुपये का खर्चा होगा ऐसा। तो अभी चलो तुम लोगों का बस यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो, और तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, मैं ड्राइव कर रही हूँ हम्पी में, ड्राइव कर रही हूँ, आसपास इतने बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, तुम लोग देख रहे होगे काफ़ी सारे पहाड़ हैं, और यहाँ पे हम्पी में ड्राइव करना, बगल में केले के पेड़ वगैरह, नारियल के पेड़ वगैरह, तो मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि अपने मैं जिधर रहती हूँ फिलहाल नॉर्थ में रहती हूँ, घर तो मतलब ऐसा रहता नहीं है कुछ भी, तो ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता हूँ। हम्पी एक पूरा गाँव है, मतलब इंटीरियर एरिया है, पूरा गाँव है यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत कम आता है, अभी कोविड की वजह से यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है ऐसा। तो फिलहाल अभी वक्त हो गया है अलविदा कहने का, और जल्दी से तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जल्दी से तुम लोग बेल आइकन को दबाओ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है मेरे चैनल पर, जल्दी से बेल आइकन दबाओ प्लीज।